नमस्कार दोस्तों, शंकर टाइल मार्बल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि वॉल टाइल कैसे लगाया जाता है सीमेंट से, और जो सीख रहा है वो कैसे सीखना चाहिए, जो मिस्त्री बनना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं वो कैसे सीख सकते हैं, तो इसके बारे में डिटेल मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि एक मिस्त्री है और एक हेल्पर है जो सीखने के लिए आया है, और काम भी कर रहा है और सीख भी रहा है। तो कैसे सीखना चाहिए, ये मिस्त्री लगा रहे, वो टुकड़ा काट काट के पीछे से लगाते जा रहा है। तो इसमें मिस्त्री को भी आसान होता है और हेल्पर जो रहता है वो देख सकते हैं, वो अपना एक एक टुकड़ा लगा रहा है। तो इस तरह से सीखा जाता है। और वॉल टाइल कैसे लगाया जाता है इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं। वॉल टाइल में अगर आपको ज़्यादा माल आए तो क्या करना चाहिए, कम माल आए तो क्या करना चाहिए, इसमें लगभग कम से कम माल लेके आपको सीमेंट में चलना है, क्योंकि आप ज़्यादा माल रखेंगे तो आपका टाइल पानी फेंकने लगता है और माल नीचे सरक के चला आ जाता है। अगर थोड़ा ज़्यादा माल आए तो इसी तरीके से आपको माल दे करके हल्का सूखा दे देना चाहिए, ऊपर से छीट दो और उसके बाद टाइल लगाओ, तो माल नीचे नहीं ससरने देना, हल्का। और दीवालों को कितना आपको भिगाना है, अगर ज़्यादा माल आ रहा है तो ज़्यादा नहीं भिगाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा भिगाएंगे तो वो पानी फेंकने लगेगा तो टाइल आपको संभलेगा नहीं, एक खड़ा टाइल है इसमें तो और नहीं संभलेगा। तो आपको कम से कम माल लेके चलना है। और पूरा बाथरूम आपको नहीं दिखाऊंगा, बहुत मिस्त्री क्या करता है कि यूट्यूब पे पूरा बाथरूम लगा के दिखाता है आपको, तो वो देखते हैं, तो मैं पूरा उसका नियम बता देता हूँ, जो नियम रहता है वही मैं बताता हूँ कि ऐसा लगाना चाहिए। और अगर सीमेंट से लगाते हैं तो आप बहुत जल्दी लगा पाएंगे बाथरूमों को, और देख सकते हैं कि कितना जल्दी जल्दी होता है। और सीमेंट पे लगा रहे तो सीमेंट को कम से कम आधा घंटा, उसको आधा या 10-15 मिनट तक आधा घंटा रहेगा तो सही रहेगा, फूलने दो सीमेंट को। ये नहीं कि तुरंत सीमेंट को भीगने के लिए दिया गमला में या किसी में, आप भीगा बनाते होंगे सीमेंट तो तुरंत दिए और तुरंत मिस्त्री को दे देते हैं, तो इसमें क्या होता है कि मिस्त्री भी परेशान हो, क्या हो जाता है कि मसाला टाइट हो जाता है तुरंत। तो आप थोड़ा फूलने एक दो एक्स्ट्रा गमला रखो, उसमें बनाओ। हम जैसे इस ये मिस्त्री बना रहे कि 2-3 गमला अपना रखा है, काट काट के उसी में सीमेंट को बनाता है, तो हेल्पर को भी आसान हो जाता है कि वो मसाला एक बार अपना दे दिया, उसके बाद वो अपना टुकड़ा कटिंग कर कर के लगाते रहता है। देखिए ये मिस्त्री हेल्पर है और ये टुकड़ा काट काट के लगा रहे, और इसी में ये देखो काम सीखने के पीछे कोई भी पागल हो जाता है। देखो ये धूल मिट्टी कुछ नहीं समझता है और अपना लगाता है, और इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा हाजिरी भी हो जाता है, तो इसके लिए ये ज़्यादातर मेहनत करते हैं और सीख भी, सब काम इनका होता है, सीखता भी है और करता भी है। तो इसी तरीके से आपको सीखना है और करना है। जो मिस्त्री सीखना चाहते हैं तो ये ऐसा ही सीखता है, मिस्त्री को अपना चाल दे देता है, उसके बाद वो कटिंग कर करके लगाता है, उसके बाद वो करता है। अब देख सकते हैं आधा दिन भी नहीं हुआ एक वजह है, उसके बाद ये इतना बाथरूम लगा दिया है, इसका बाथरूम लगभग 4 बजे तक फाइनल हो जाएगा, और हाजिरी भी 2-2 हो जाता है। तो इसके लिए दोनों मेहनत करता है और जल्दी लगा के अपना चला जाता है, हाजिरी भी हो जाता है। तो ये तरीके से आप लगाएंगे सीमेंट पे तो बहुत अच्छा रहेगा।
आपको कम से कम माल लेके चलना है। अगर बाथरूम लगा रहे हैं या वॉल टैल लगा रहे हैं तो समझो अगर कम से कम माल आए तो आपको बाथरूम बहुत जल्दी लगेगा। और ये देखिए ये साइड का पूरा टुकड़ा ये लगा रहा है, तो इसी तरीके से आपको सीखना भी है करना भी है। और जो मिस्त्री सीखना चाहते हैं बनना चाहते हैं मिस्त्री तो इसी तरीके से आपको सीखना है। मैं बोला कि आपका पट्टी तो बेंड नहीं होते जा रहे, तो इनको बोला कि पट्टी लगा के दिखाओ, तो ये पट्टी लगा के भी दिखाया। क्योंकि जल्दी जल्दी में मिस्त्री लोग क्या करता है कि उल्टा पुल्टा भी काम करने लगता है, तो बहुत मिस्त्री उल्टा पुल्टा करता है बहुत सीधा भी करता है। तो सबको मैं नहीं बता रहा हूँ, बहुत मिस्त्री अच्छा है, बहुत मिस्त्री थोड़ा इधर उधर काम को कर देता है। तो देखिए ये सीमेंट भीगा हुआ है तो एक बार भी पानी नहीं डालना पड़ेगा, और वैसे ही आप करनी डालेंगे थापी डालेंगे उसके बाद आपको एक ही बार में वो सही रहेगा माल डालने पर। बहुत में क्या होता है कि मिलाना पड़ता है माल को, तो वो थोड़ा देर वाला भी भीगा रहेगा तो ही मिलाना पड़ता है। अगर ज़्यादा माल आ रहा है तो ऐसा ही आपको लगाना है सेम। तो आप बात को समझ गए टाइल्स कैसे लगाना है वॉल टाइल। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो। आप देख सकते हैं कि ये एक गमला खाली हुआ, तीन गमला रखा है, एक गमला खाली हुआ, एक गमले में बना देता है।